हेलो स्टूडेंट्स, ए एस लेवल केमिस्ट्री चैप्टर इज रेडॉक्स रिएक्शंस, लेक्चर नंबर वन। आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की डेफिनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस की आपके सिलेबस में है। और हम पहली डेफिनेशन पढ़ेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ केमिकल इक्वेशंस भी लिखेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, व्हाट इज रेड ऑक्स? रेड ऑक्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ऑक्स। रेड का क्या मतलब है? रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स इट स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो रेड ऑक्स का मतलब हुआ एनी केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ दीज प्रोसेसेस व्हेन एवर दे टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन कोई भी ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो। और ये हमेशा याद रखें, विदाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो सकती और विदाउट रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। और जब ये दोनों प्रोसेसेस साथ साथ होंगे तो ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। दूसरी बात, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन जब भी आपने लिखनी है, देर आर मैनी डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, लेकिन आपके सिलेबस में दो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो आपने याद रखनी है। पहली डेफिनेशन जो हम यूज करते हैं ए लेवल्स में फॉर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, इट इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी डेफिनेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये दो टाइप की डेफिनेशन है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो चलिए पहली डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये सीखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, और कैसे हम केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन। तो सबसे पहली बात जो आपको आनी चाहिए, व्हाट इज ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट इज रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने याद रखना है, बड़ी ही सिंपल सी बात है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाइल व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन इट इज अ प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है हम कहेंगे इट इज शोइंग ऑक्सीडेशन, और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वी विल कॉल इट रिडक्शन। बड़ी सिंपली आप इसे याद रख सकते हैं, एक सिंपल सी टर्म याद रखें, ऑयल रिग, ऑयल रिग, ऑयल फॉर ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिग फॉर रिडक्शन इज गेन। तो ये सिंपल सी टर्म आप याद रख सकते हैं जिससे आप ये डेफिनेशन कभी नहीं भूलेंगे कि ऑक्सीडेशन जो है इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो फर्स्ट डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस डेफिनेशन को सामने रखते हुए हम कैसे डिफरेंट केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं फॉर अ गिवन कंपाउंड, देखें कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहली एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपको एग्जाम में कोई भी कंपाउंड दिया जा सकता है और इस कंपाउंड की बेस पे आपको ये कहा जा सकता है, राइट डाउन केमिकल इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन, फॉर रिडक्शन एंड फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। तीन केमिकल इक्वेशन आपको लिखने को कह सकता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपने सबसे पहली बात ये याद रखनी है, जब भी आपको कोई कंपाउंड गिवन हो हमेशा उस कंपाउंड का जो पहला एलिमेंट होगा वो मेटल होगा, एंड मेटल्स दे लूज इलेक्ट्रॉन इजिली। तो इस केस में जो पहला एलिमेंट है वो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम इज अ मेटल एंड इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली। कंपाउंड के फॉर्मूला में, केमिकल फॉर्मूला में जो दूसरा एलिमेंट लिखा होगा वो एलिमेंट हमेशा नॉन मेटल होगा, एंड नॉन मेटल्स दे गेन इलेक्ट्रॉन इजिली। तो आपने याद रखना है, जो एलिमेंट केमिकल फॉर्मूला में पहले लिखा हो, आयोनिक कंपाउंड के केस में पहले लिखा हो, वो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएगा। और क्यों पॉजिटिव आयन बनाएगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और हमेशा केमिकल फॉर्मूला में जो सेकेंड एलिमेंट लिखा हो वो नॉन मेटल होगा, एंड नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इजिली, और वो हमेशा नेगेटिव आयन बनाएगा।
अब आपको ये कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? पीरियोडिक टेबल की हेल्प से आपने ये देखना है कि हर एलिमेंट, जो दो एलिमेंट आपके गिवन कंपाउंड में है, हर एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है, हर एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें, एल्यूमिनियम इट्स अटोमिक नंबर इज 13, एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3, तो तीसरे ग्रुप में होने की वजह से एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करें तो व्हाट वी विल कम टू नो कि एल्यूमिनियम हैज 3 वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और हमेशा एक एलिमेंट के वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। तो हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। एल्यूमिनियम ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन, तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसके मुकाबले में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एलिमेंट इट बिलोंग्स टू ग्रुप 16। ग्रुप 16 के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम क्या देख सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब है ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं ताकि इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए। तो अब आपने क्या करना है, आपको ये पता चल गया इन दोनों एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट मेटल है और वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इन दोनों एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है और वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आपने सबसे पहले ऑक्सीडेशन की इक्वेशन लिखनी है। एल्यूमिनियम विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एंड मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन इजिली। जब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो एल्यूमिनियम पे चार्ज 3 पॉजिटिव आ जाएगा। ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज शोइंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके मुकाबले में ऑक्सीजन क्या केमिकल फॉर्मूला है, ऑक्सीजन हाउ इट एग्जिस्ट इन नेचर, ऑक्सीजन इट एग्जिस्ट एज O2 डायटोमिक। तो हमने ऑक्सीजन डायटोमिक लिखना है। हमें ये पता है कि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अगर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमारे पास इस वक्त 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 ऑक्सीजन एटम को हमें कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 2 ऑक्सीजन एटम को हमें 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। जब हम ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा, दो एटम मिलके 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो जब एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक एटम पे चार्ज आ जाएगा 2 नेगेटिव, क्योंकि एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। लेकिन हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम थे, इसलिए 2 मोल बन जाएंगे ऑक्साइड आयन के। अब ये दोनों इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई हैं। पहली इक्वेशन आपकी ऑक्सीडेशन है और दूसरी इक्वेशन रिडक्शन है। अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सम ले लें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के सम से जो केमिकल इक्वेशन हमें मिलती है उसको हम कहते हैं रिडॉक्स इक्वेशन। अब रिडॉक्स इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है, हमने इन दोनों केमिकल इक्वेशंस को ऐड अप करना है। जब हम इन दोनों केमिकल इक्वेशंस को ऐड अप करेंगे तो ऐड अप करने से पहले इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए और हमने उन इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है। इलेक्ट्रॉन को इक्वल कैसे करना है, जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इक्वेशन में है आपने उस नंबर से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, और जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड इक्वेशन में है आपने उस नंबर से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखें, इस वक्त सेकंड इक्वेशन में 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन थे तो हम सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इससे क्या होगा, हमारी पहली इक्वेशन में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए और हमारी सेकंड इक्वेशन में भी 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। अब आप इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए हैं, उसके बाद जो बाकी पार्टिकल्स बच गए हैं आप वो नेट इक्वेशन में लिखेंगे तो वो आपकी रिडॉक्स इक्वेशन बन जाएगी। Al प्लस O2 गिव्स Al3 पॉजिटिव प्लस O2 माइनस। और आपने क्या करना है, एल्यूमिनियम को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ऑक्सीजन को 3 से,
तो जब हमने 2 मोल ऑफ ऑक्साइड को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 मोल ऑफ ऑक्साइड बन गए। आप ये इक्वेशन लिखने के बाद कंफर्म कर सकते हैं कि वेदर दिस केमिकल इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। दोनों साइड पे चार्ज बैलेंस होना चाहिए। इस वक्त अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज 0 है, और राइट हैंड साइड पे अगर आप चार्ज देखें तो राइट हैंड साइड पे चार्ज भी 0 है। 4 3s आर 12, 6 2s आर 12, तो टोटल चार्ज इस वक्त 0 है दोनों साइड पे। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। जब हम नेट रिडॉक्स इक्वेशन लिख लेते हैं तो ये नेट रिडॉक्स इक्वेशन, इसमें आप चाहें तो एल्यूमिनियम और ऑक्साइड के आयंस रहने दें, या आप इन आयंस को कंबाइन करके Al2O3 भी लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख दें या हम उस कंपाउंड के आयंस लिखें, हमारी इक्वेशन दोनों सूरतों में करेक्ट होगी। अब स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वीडियो पॉज करनी है आपने, उस गिवन कंपाउंड के लिए आपने ये तीनों इक्वेशन लिखनी है, फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन शो कर दूंगा। एग्जाम्पल ले लें मैग्नीशियम फ्लोराइड, और पीरियोडिक टेबल से आप फाइंड कर सकते हैं मैग्नीशियम का ग्रुप नंबर क्या है और फ्लोरीन का ग्रुप नंबर क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है, इन दोनों एलिमेंट्स में से मैग्नीशियम इट इज अ मेटल, इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2, सो मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मैग्नीशियम पे चार्ज 2 पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। मैग्नीशियम के मुकाबले में जो फ्लोरीन है डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, और फ्लोरीन का ग्रुप नंबर 17 है। ग्रुप 17 के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब है एक फ्लोरीन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हमारे पास F2 है तो 2 फ्लोरीन के एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड आयन F1- बना देंगे। तो ये दोनों केमिकल इक्वेशंस पहले से ही बैलेंस हैं, इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं। आप इलेक्ट्रॉन क्रॉस आउट करेंगे और दोनों केमिकल इक्वेशंस का सम लिख देंगे, दैट विल बी द रिडॉक्स इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशंस हैं फॉर मैग्नीशियम फ्लोराइड। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखें नेक्स्ट एग्जांपल जो आपको मैं दे रहा हूं, फॉर द कंपाउंड सोडियम ऑक्साइड केमिकल इक्वेशन लिखें। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने केमिकल इक्वेशन लिख ली, इस केस में जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा वो सोडियम है। सोडियम ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, तो एक सोडियम का एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 16, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन हमें याद रखना है कि ऑक्सीजन डायटॉमिक होता है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे और हमारे पास O2- के 2 मोल बन जाएंगे। इन दोनों इक्वेशन का सम लेने से पहले आपको क्या करना चाहिए था, आपको फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना था और सेकंड इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपके इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर दें और जो फाइनल इक्वेशन आपके सामने नीचे आ जाएगी, 4 मोल ऑफ Na प्लस O2 गिव्स 4 मोल ऑफ Na1 पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ ऑक्साइड आयन। आपकी मर्जी है, यहाँ पे भी आप फाइनल आयन्स लिखे रहने दें या आप इन आयन्स को कंबाइन करके Na2O लिख सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। एक लास्ट एग्जांपल कर लें, राइट डाउन ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडॉक्स इक्वेशन फॉर मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। ओके स्टूडेंट्स, इस केस में आपने देखना था कि जो मेटल है वो Mg है, वो ग्रुप 2 का है। ग्रुप 2 एलिमेंट्स हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मैग्नीशियम पे चार्ज आ जाएगा Mg2+। मैग्नीशियम के मुकाबले में नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 15। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब हुआ एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन हमें हमें ये आइडिया है कि नाइट्रोजन डायटॉमिक गैस है, तो जब ये डायटॉमिक गैस है तो एक एटम अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 एटम को मिलके 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, तो हम N2 को 6 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, तो जिससे N3- के 2 मोल ऑफ आइंस बनेंगे। N3- बनेगा लेकिन ये एक आइन बना है, हमारे पास 2 एटम थे इसलिए 2 मोल ऑफ आइंस बन जाएंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना था,
ताकि नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए और कैंसिल हो जाए। तो फाइनल रिडॉक्स इक्वेशन जो आपकी होनी चाहिए थी, इट मस्ट बी 3mg प्लस एन टू गिव्स 3mg2 प्लस प्लस 2n3 माइनस, ये आपकी फाइनल रिडॉक्स इक्वेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो या कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।